मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके बालों में भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, इची स्कैल्प है, बालों में बार बार खुजली होती है, और जब आप खुजली करते हैं तो कुछ सफेद सफेद सा गिरता है आपके कपड़ों पे। आपको लगता होगा कि ये धूल मिट्टी की वजह से है या पॉल्यूशन की वजह से कुछ गिर रहा है, लेकिन जब हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो वही सूख के पपड़ी पपड़ी से गिरते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ इन्फेक्शन होता रहता है हमेशा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव सा पावरफुल हेयर मास्क, जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं जो आपके बालों के डैंड्रफ पे बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करेगा, शाइन लाएगा और मॉइस्चर भी। डैंड्रफ होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ होने के कई वजह हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वजह हो, जब डैंड्रफ हो जाए तो बहुत ही इरिटेट करता है, बार बार खुजली होती है बालों में, आप किसी भी काम पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं, इसी स्कैल्प हो जाते हैं, कभी कभी तो खुजली करते करते रैसेस भी आ जाते हैं, स्क्रैच भी आ जाते हैं हमारे स्कैल्प इसके लिए पे। जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो महंगे से महंगा एंटी डैंड्रफ शैम्पू ढूंढ के लाते हैं, उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट में जाते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि हमारा स्कैल्प जो है मॉइस्चराइज रहे और ड्राई ना हो। लेकिन कभी कभी बहुत डैंड्रफ ऐसे जिद्दी होते हैं कि कितना भी आप कुछ कर लो, जाने का नाम ही आज नहीं मैं लेते। 100% नेचुरल हेयर मास्क रेडी करने जा रही हूँ जो जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को हटाने का काम करता है। मेरे बालों में भी डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है। इस हेयर मास्क को रेडी करने के लिए मैंने चार चीज़ें इकट्ठी की हैं। सबसे पहला नीम पाउडर है, दूसरा भृंगराज पाउडर, थर्ड पे है एलोवेरा जेल, एंड फोर्थ पे मैंने आंवले का तेल डाला है। आप इसकी जगह पे आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन चारों में हमारे डैंड्रफ को, जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को भगाने की प्रॉपर्टीज हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाती हूँ किस तरह से इस हेयर मास्क को बनाना है, फिर एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगी। हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ नीम पाउडर 2 चम्मच। अगर आप फ्रेश नीम के पत्ते तोड़ के ले आ रहे हैं तो उससे और भी अच्छा इफेक्टिव मास्क बनेगा। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं पाउडर ही डाल दूंगी। नीम हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज दैट रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प एंड स्कैल्प इन्फेक्शन। नीम के अंदर फैटी एसिड्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, वाइटमिन एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है। इट कैन प्रिवेंट हेयर फॉल और बहुत अच्छे से डैंड्रफ को भी क्लीन करता है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नीम पाउडर ले लिया है। इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच भृंगराज पाउडर। भृंगराज अच्छी तरह से बालों पर लगाया जाए तो खूबसूरत, घना और लंबा बनाने में हेल्प करता है हमारे हेयर को। इसके चलते भृंगराज को केसराज भी कहा जाता है। तो हेयर के रूट स्ट्रांग होते हैं इसे लगाने से, स्कैल्प की प्रॉब्लम दूर होती है भृंगराज से, साथ ही डैंड्रफ और रूखेपन से छुटकारा मिलता है। तो ये भी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से सारे पाउडर मिक्स करो। जितने लंबे हैं आपके बाल तो उस हिसाब से 2, 3, 4 चम्मच बराबर बराबर मात्रा में डाल सकते हो। अब इसमें डालना है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। एलोवेरा हेयर को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, सिर की खुजली को शांत करता है, इची स्कैल्प या रूसी और पपड़ी को कम करने में भी हेल्प करता है, यानी कि डैंड्रफ को। 1 चम्मच और डाल रही हूँ। बालों की जड़ों में मजबूती देने का काम करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है। 2 चम्मच डाल दिया इस तरह से। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच आंवले का तेल। बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ये मैंने घर पे ही बनाया था। आप इसकी जगह पे आंवला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करता है, शाइन बढ़ाता है हमारे बालों में, हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ये वाला ऑयल और सभी को मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, एप्लीकेशन में दिक्कत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। वैसे आप फ्रेश एलोवेरा लीफ से अगर जेल निकाल के डालेंगे तो अपने आप ये लिक्विडी सा हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डालूंगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस इकट्ठी हो जाए, इसमें आ जाए। उसके बाद एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। रेडी कर लिया है ये पावरफुल हेयर मास्क। अगर ज़्यादा लिक्विडी लगे ना तो इसमें थोड़ा सा नीम और भृंगराज का पाउडर थोड़ा सा और ऐड करके इसको ठीक बना सकते हैं। मैं पहले लगा के देखती हूँ। सबसे पहले हम अपने बालों को सुलझा लेंगे। पहले से मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की है, लेकिन मेरा स्कैल्प ही ऑयली है। एक दो दिन शैम्पू ना करो ना तो इसी तरह के बाल हो जाते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ब्रश या हाथ किसी से भी लगाइए, लेकिन स्कैल्प पे अच्छे से लगना चाहिए क्योंकि डैंड्रफ हमेशा हमारे स्कैल्प में ही होता है। छोटे छोटे से सेक्शन लेके पूरे बालों में अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये सारे पाउडर बहुत ही आसानी से आपको अपने नज़दीकी मार्केट में मिल जाएंगे। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेजोन पे अवेलेबल है सारे। ज़रूरी नहीं मैंने जो लगाया वही, किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। मेरे पास अभी वही था इसलिए लगा लिया। के आसपास कहीं नीम के पेड़ हैं तो उसमें से फ्रेश पत्तियां तोड़ के ले आइए और उसकी पत्तियों को धो के मिक्सी में ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के बालों में लगाइए। इससे कहीं ज़्यादा 10x पावरफुल वो मास्क होगा। पहले मैंने पूरे स्कैल्प में लगा लिया है, फिर जो बचेगा उसको मैं लेंथ पे लगा दूंगी। मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा कम है इसलिए मैंने कम ही बनाया था। आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से बनाएंगे। इस तरह से लगा लिया पूरे बालों पे। इसे हल्के हल्के से रब कर देंगे ताकि कहीं छूट भी गया हो तो वहाँ भी लग जाए। प्रॉपर मसाज नहीं करना है, ऐसे हाथों से हल्के हल्के से कर देंगे। जो भी बचा हुआ है तो उसे लेंथ पे इस तरह से लगा दूंगी। बन बना के और एक क्लचर लगा देंगे। इस ड्रेस पे कल मैंने एक फेशियल की वीडियो बनाई थी, उसमें हल्दी भी डाला था इसलिए ये येलो येलो सा थोड़ा लगा हुआ है। और आज मुझे हेयर मास्क लगाना था इसलिए नहीं धोया और यही इसी पर पहन लिया, क्योंकि कितना भी संभाल के फेशियल या हेयर मास्क लगाएं तो इधर उधर थोड़ा बहुत फैल जाता है, मैस हो जाता है। तो थोड़े पुराने से ही कपड़े पहन के करें ये सब काम। आधे घंटे तक इस हेयर मास्क को अपने बालों में रखेंगे, उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लेंगे। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं कोशिश कीजिए माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ करें। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, जिद्दी डैंड्रफ है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया नहीं जा रहा है, पपड़ी पपड़ी से झड़ रही है बालों से, तो एक सप्ताह में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, वीकली इस मास्क को लगाइए। अभी डैंड्रफ होना शुरू हुआ है, कम है, इक्के दुक्के दिख रहे हैं, तो 15 दिन में एक बार लगाइए। 2 से 3 बार लगाएंगे सारा डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। समय पे अगर हम प्रॉब्लम को पहचान लें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें और उस पर काम करना शुरू करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि डैंड्रफ मेरे बालों में हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत थोड़ा रहेगा पहले, लेकिन उससे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। नेचुरल चीज़ों के साथ जब हम काम करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाएगा तो सही में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मन में ये भावना रखेंगे कि इससे क्या होने वाला है, तो कितना भी एप्लीकेशन कर लीजिए उससे सही में अच्छा नहीं होगा। केमिकल बेस्ड शैम्पू लगाते हैं हम, मास्क लगाते हैं, कुछ भी, तो रिजल्ट तो आपको इंस्टेंट मिल जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं।
तो कोशिश कीजिए जितना हो सके नेचुरल चीजों का सेवन भी करें और अपने टॉपिकल एप्लीकेशन में भी उसे यूज करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, थोड़ी हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।